मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं RS सॉफ्टवेयर शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है RS सॉफ्टवेयर इंडिया लिमिटेड। आज हम लोग इस शेयर को एनालाइज करके जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस। इसका आज ब्रेकआउट हुआ है, देखिए अगर ये 45 रुपये पर मिल जाए किसी को फिर से तो ले सकता है, बाई कर सकता है, मगर अपना एनालाइज ज़रूरी है। आप लोग अपना एनालाइज कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं 3 आवर का चार्ट पहले सेट करता हूँ, फिर हम लोग इस शेयर को एनालाइज़ करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 49.95 रुपये। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 54.75 रुपया। और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 57.65 रुपये। ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 46.40 रुपये का, और इसका सेकंड स्टॉप लॉस होगा 42.25 रुपये का, और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 38.70 रुपये का। अब हम लोग बात करेंगे डे कैंडल पे। डे कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 48.50 रुपये का। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 53.90 रुपये का। और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 67.65 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। इसका थर्ड टारगेट होगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 44.55 रुपये का, 44.55 रुपये का। सेकेंड जो इसका टारगेट होगा सॉरी स्टॉप लॉस होगा वो होगा 40.35 रुपये का। और थर्ड जो इसका टारगेट स्टॉप लॉस होगा वो होगा 34.95 रुपये का। अब हम लोग बात करेंगे वीकली कैंडल पे। वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 51.50 रुपये का। सेकेंड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 59.95 रुपये का। और थर्ड जो इसका टारगेट होगा वो होगा 70.65 रुपये का। अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 40.95 रुपये का। सेकेंड जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 37.55 रुपये का। और थर्ड जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा 29.10 रुपये का। अब हम लोग बात करेंगे मंथली कैंडल पे। मंथली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा फ्रेंड, दोनों का टारगेट और स्टॉप लॉस सेम ही है। वीकली और मंथली का टारगेट और स्टॉप लॉस सेम ही है, तो शायद मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ जाओगे। तो चलिए अब हम लोग टेक्निकली बात कर लेते हैं। तो RSI लगाते हैं और MACD भी, तो फ्रेंड RSI 66 पे है। MACD अभी बुलिश है और लगता है अभी ये एक मंथ और बुलिश रहने वाला है, ठीक है MACD बता रहा है। और वीकली कैंडल को फॉलो करें तो वीकली कैंडल लगता है कि एक वीक और ये बुलिश होना चाहिए, मतलब इस वीक ये बुलिश रहना चाहिए। और डे कैंडल पे देखें तो मार्केट ओवरबॉट जोन पे जा चुका है। देखिए RSI 76 पे है, तो ओवरबॉट नहीं हुआ है, अभी 4 पॉइंट बाकी है,
76.9 हो चुका है। तो यहाँ से डे कैंडल पे सेल का सिग्नल है, सॉरी ये तो 3 आवर के चार्ट पे मैं आ गया हूँ, डे पे देखना है। डे पे 73 पे है अभी, मगर ये सेल सिग्नल है डे पे भी, डे कैंडल पे भी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा फंडामेंटल्स देखते हैं। बाउंड विक की हाई की बात करें तो 47.40 रुपये है, बाउंड विक की लो की बात करें तो 23.60 रुपये है। एक मंथ रिटर्न की बात करें तो 42% का पॉजिटिव रिटर्न है, एक ईयर रिटर्न की बात करें तो 67% का पॉजिटिव रिटर्न है। मार्केट कैप की बात करें तो 108 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और 25,300 इसके शेयर होल्डर्स है। और न्यूज़ की बात करें तो इसमें 2 मंथ पुराना न्यूज़ है, तो हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड, आज के दिन में ये 10% का सर्किट लगाया हुआ है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।